हेलो एवरीवन, सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ हनुमान जांगी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मिड सेशन पेपर 5 का डिस्कशन, जिसमें मैं फिजिकल वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक अपन केमिकल और आयोनिक इक्विलिबियम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन है और उनका सोल्यूशन कैसे बनेगा, आइएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट दे रखा है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 200 ml, व्हेन द रिएक्शन ऑफ 2 times Ag++ कॉपर कन्वर्टेड इनटू 2 times Ag+ copper 2+ इज रीच द इक्विलिबियम एंड कॉपर 2+ वाज xm। ये बोला जब इक्विलिबियम आया तो कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन xm थी और स्टार्टिंग में वॉल्यूम 200 ml था। व्हेन 200 ml ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड एट द इक्विलिबियम कॉपर प्लस 2 विल बी। ये कह रहा है कि अगर आपने 200 ml वाटर और ऐड कर दिया है तो अब बताओ न्यू इक्विलिबियम पर कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, अपन बात करते, सपोज कीजिएगा जब ये कह रहा है कि ये xm हो तो उस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन को मैं y मान लेता हूं। अपन k इक्विलिबियम की बात करें तो k इक्विलिबियम इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag का स्क्वायर हो जाएगा, Ag प्लस का, तो ये आ जाएगा x बाई वाई का स्क्वायर, इट इज द k इक्विलिबियम। ओके, जब आपने 200 ml वाटर को फर्दर एडेड किया तो कंसंट्रेशन तो अब हाफ हो जानी चाहिए। अब हाफ हो गया तो इक्विलिबियम तो डिस्टर्ब हो गया, तो अब q आएगा, ये हुआ x बाई टू और ये हो गया y बाई टू का स्क्वायर। ये लो, अगर ऐसा हुआ तो इट इज द 2 times x/y का स्क्वायर। अब यहां से अपन को क्लियर सी बात मालूम चल रही है कि Q की वैल्यू K इक्विलिबियम से ज्यादा है, इट मींस रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये x बाई टू हो रखा है, ये y बाई टू हो रखा है। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस x बाई टू से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका मतलब लेस देन x बाई टू m आएगा, लेस देन x बाई टू एम, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलिए सेकंड प्रॉब्लम 12 नंबर, द फॉलोइंग टू इक्विलिबियम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन ए क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल में ये दो इक्विलिबियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इफ सम CO इज एडेड इनटू द वेसल देन आफ्टर द इक्विलिबियम इज अटेंड अगेन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 और Cl2 के बारे में ये आपसे इंफॉर्मेशन चाहता है। देखिएगा आपने बोला है कि इक्विलिबियम पर सम CO एडेड किया है, अगर CO एडेड करोगे मींस आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 जो होगा ये डिक्रीज होगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 तो दोनों इक्विलिबियम के लिए कॉमन चल रहा है, इट मींस फर्स्ट इक्विलिबियम के लिए भी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसके लिए भी क्या हो गया, डिक्रीज। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, अगर फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो PCl5 डिक्रीज होगा, PCl3 इंक्रीज होगा। PCl5 जो होना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए, इट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये साइमल्टेनियस इक्विलिबियम का क्वेश्चन था। आगे बात करें, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 0.1 मोल ऑफ CH3NH2 मिथाइल अमाइन दे रखा है, KB दे रखा है, इट मींस इट इज द वीक बेस, is added 2.08 mole of HCl and the solution is diluted to 1 liter, the hydrogen ion concentration in the solution। देखिएगा ये मिथाइल अमाइन था CH3NH2, जब भी अगर एसिड और बेस दे रखा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा जब भी दे रखा हो तो आपको रिएक्शन लिखनी चाहिए। ये रिएक्शन लिखा तो अपन को मालूम है CH3NH3+ अमोनियम क्लोराइड टाइप बनेगा, ये लीजिएगा। ठीक है, इसका मोल था 0.1 स्टार्टिंग में, इसका मोल है 0.08, इट मींस लिमिटिंग रिएजेंट HCl हो जाएगा, ये 0.02 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 0.08 बचेगा। इट इज द वीक बेस एंड
इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मीन्स बफर बन गया, बफर बन गया तो बफर की पीओएच का फॉर्मूला है पीओएच इट इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ द कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ये अगर अपन लगाए तो पीओएच इट इज इक्वल टू पीकेबी चाहिए तो 4 माइनस लॉग 6 हो जाएगा, 4 माइनस लॉग 6 प्लस लॉग ऑफ द कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन बोले तो यहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इट इज द 0.08 डिवाइड बाय 1 लीटर और यहां पे भी 0.02 आएगा, इट इज द 4 हो गया। तो यहां से अगर अपन पीओएच की बात करें लॉग 6 होता है 0.78 और लॉग 4 होता है 0.6 होता है तो यहां से अपन को समझ में आएगा 3.82 आ रहा है पीओएच, तो यहां से पीएच आ जाएगा 10.18, ये पीएच आ गया। अपन से पूछ रहा है एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, एंटी लॉग ले ले 10^-11 तो आएगा ही आएगा, अपन को मालूम है 0.82 किसकी वैल्यू होती है, 0.82 लगभग 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा तो 6.7 × 10^-11 मोलर हो जाएगा, इट मींस 4th इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। बफर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पीओएच पीएच नहीं पूछ के और आपसे एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को यहां पे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ C6H5CONa। अब ये जो है C6H5CONa इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इसकी पीएच डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला लगा दो या फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा के एच प्लस या ओएच माइनस कैलकुलेट कर लिया जाए। पीएच का फॉर्मूला होता है 7.5 ऑफ दी पीकेए प्लस लॉग ऑफ दी सी, ये होता है 7.5। पीकेए के लिए बात करें तो इसका पीके हो जाएगा 5 − log 6.4 प्लस लॉग ऑफ दी सी, कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.2, ये लो तो 7.5 ऑफ दी, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 0.8 और ये हो जाएगा 2 × 10^-1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.7, ये हो जाएगा 3.5, 1.75, इट मींस 8.75 पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, 8.75 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट बात करें, प्रॉब्लम नंबर 15 आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, बोला इसमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करे। बफर सॉल्यूशन तभी बनेगा जब एक तो वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट होना चाहिए वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक बेस हो प्लस सॉल्ट होना चाहिए वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहां पे तो दोनों ही एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, यहां पे कैपिटल एम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखिए 15 ml है तो यहां पे मोलर टोटल मोल कितने हो गए 1.5, यहां पे मोल हो गए 1.5 और इसके मोल कितना हो गया 1। लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, एसिडिक एसिड, इसका मतलब एसिडिक एसिड तो खत्म हो गया तो ये एक बफर नहीं बनेगा। सिमिलर वे में यहां पे इसका मोल तो बन रहा है 1 और इसका मोल बन रहा है 1.5 एक तरीके से मिलीमोल, तो वापस यहां पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बच रहा है, वीक कंपोनेंट नहीं बच रहा तो ये भी बफर नहीं होगा। H2S इट इज द वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इट मींस इट इज द बफर, तो 4th इज द बफर, इसका सही आंसर हो जाएगा 4th। ओके नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम नंबर 16, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.1 ml सॉल्यूशन ऑफ CH3CONa इज 0.01, फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3CONa। अपन को मालूम है KH इट इज इक्वल टू CH स्क्वायर होता है
इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन वन हो, उस कंडीशन में एच इज वेरी वेरी लेस देन वन है ये, तो अपन यहां से बोल सकते हैं एच इट इज इक्वल टू रूट के एच बाई सी, इट मीन्स एच वन बाई एच टू इट इज इक्वल टू रूट ऑफ दी सी टू बाई सी वन, ये हो सकता है। एच वन की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.01 दे रखा है, एच टू रूट सी टू इट इज द 0.4 डिवाइड बाई 0.1, ये 2 आ जाएगा, तो इट इज द 0.005 ई आ जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके बात, नेक्स्ट बात करें, टेन मोल N2O4 इज टेकन इन 80 लीटर कंटेनर एट 727 डिग्री सेल्सियस, ये बोल रहा है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 atm, द वैल्यू ऑफ केपी, मैं काम करता हूं, अगर मेरे को केपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो इनके पार्शियल प्रेशर चाहिएंगे, बट टोटल प्रेशर दे रखा है। स्टार्टिंग में प्रेशर ऑफ N2O4 एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पे कैलकुलेट कर लेता हूं, वो कैसे कैलकुलेट होगा, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, एन 10 है, आर की वैल्यू 0.08 है, एन आर टी 1000 केल्विन है, डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है 80 लीटर, ये 80 से ये 80 कैंसिल आउट हो गया, 10 atm प्रेशर आ गया इसका। अब N2O4 जो होगा ये कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स NO2 में, ये 10 atm है, ये 0 है, ये 10 माइनस पी होगा, ये 2p होगा। अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 15 atm के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 5 atm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की अगर अपन बात करें तो वो आएगा 10 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 5 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की अगर अपन बात करें तो NO2 का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स p, इट मींस 10 atm। KP की बात करें तो KP इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 20 atm आ जाएगा यूनिट, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो पहले अपन ने, या दूसरा काम ये भी कर सकते थे, 15 atm को मोल में कन्वर्ट कर लेते, फिर इक्विलिब्रियम के मोल चेक कर लेते, उससे भी हो जाता, ठीक है, किसी एक को कन्वर्ट करना था, या तो प्रेशर कैलकुलेट कर लिया जाए या फिर इक्विलिब्रियम पर मोल कैलकुलेट कर लिया जाए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम पीएच नेसेसरी टू कॉज ए प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड केएसपी गिवन है टू फॉर्म इन ए 0.12 mm पीबीसीएल2 सॉल्यूशन। पीबीसीएल2 सॉल्यूशन में आपको बोला है कि PbOH होल्ट वाइज के अवक्षेपण के लिए न्यूनतम pH, आपको मालूम है कि PbCl2 एक तरीके से हाईली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो इसका मतलब Pb2+ की कंसेंट्रेशन जो आनी चाहिए, इट इज कम फ्रॉम Pb2+ फ्रॉम PbCl2 एंड इट इज इक्वल टू 0.12 mm। अगर प्रेसिपिटेट जस्ट स्टार्ट हो या प्रेसिपिटेट को जस्ट प्रिवेंट करना हो तो KIP की वैल्यू KSP के इक्वल कंसीडर करें, तो 1.2 × 10⁻⁵, इसको मैंने 0.2 लिखा, इंटू OH माइनस होगा स्क्वायर, ठीक है, 1.2 × 10⁻⁵ OH माइनस का स्क्वायर अपॉन 0.2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से OH माइनस का जो स्क्वायर आएगा इट इज़ द 10⁻⁴, OH माइनस की जो कंसेंट्रेशन आएगी वो 10⁻⁔ आएगा, मीन्स POH की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर अपन बात करें तो pH हो जाएगा 12, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, नाइनटीन नंबर प्रॉब्लम पे, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 mKi एंड 0.1 molar KCl, ये है, इफ AgNO3 इज एडेड टू द सॉल्यूशन व्हाट इज द आई माइनस कंसेंट्रेशन व्हेन AgCl बिंग्स टू प्रेसिपिटेट KSP ऑफ AgI एंड AgCl। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आपको बोल रहा है कि आयोडाइड की कंसेंट्रेशन क्या होगी व्हेन प्रेसिपिटेट Ag+ की कंसेंट्रेशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, तो इट इज द KSP अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Cl- होगा।
KSP कितना दे रखा है AGCL का 1.8 into 10 raise to the power minus 10 upon CL minus की concentration यहां से 0.1 आ जाएगा, it is a 1.8 into 10 raise to the power minus 9 molar, इतना Ag plus तो requirement है, तो इसका मतलब जब AgCl का precipitation होगा तो Ag plus इतना होना चाहिए, उस condition में I minus कितना होगा, तो मैंने कहा Ag इतना ही होगा into I minus, it is equal to KSP के बराबर कर देते हैं 1.5 into 10 raise to the power minus 16, then concentration of I minus जो होगा ये लीजिए, ये हो जाएगा 5 by 6 into 10 raise to the power minus 7, 8.3 into 10 raise to the power minus 8 m आ जाएगा, fourth is the correct answer, fourth is the correct answer. ओके तो जब आपको आई माइनस की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो एजी प्लस वही होगा जो एजी प्लस के एजीसीएल के प्रेसिपिटेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगा. आगे बात करें नेक्स्ट 20 नंबर बोला टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ 0.5 एम एसिडिक एसिड बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू डबल द हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन. हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को डबल करने के लिए आपको 10 लीटर विलयन को कितने लीटर तक तनु किया जाए, इट मींस फाइनल वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है. ओके आइए बात करते हैं, मैं यहां से H प्लस आयन कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूं. अगर अपन H प्लस आयन कैलकुलेट करने की ट्राई करें या मैं सिंपल सा ऐसा डायरेक्टली बोल देता हूं कि अपन को मालूम है कि H प्लस आयन जो होगा वो रूट के इंटू सी होता है या H प्लस आयन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा रूट वी के. ये लो आप कह रहे हो कि हाइड्रोक्साइड आयन डबल होगा तो अपन को मालूम है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए H प्लस इंटू ओ एच माइनस इट इज इक्वल टू के डब्ल्यू होगा. अगर ये डबल होगा तो H प्लस आयन जो हो जाना चाहिए बिकम्स हाफ. तो अगर मैं H प्लस वन की बात करूं अपॉन H प्लस टू की बात करूं इट इज इक्वल टू रूट वी टू बाई वी वन लगाया जाए तो ये जो होगा वो डबल होगा, इट इज द रेशियो टू टाइम्स, ये वी टू अपॉन ये वी वन टेन फोर ये आ जाएगा. तो यहां से तो V2 इट इज इक्वल टू 40 लीटर. कितने लीटर तक तनु किया जाए, 40 लीटर तक आपको क्या करना है, डाइल्यूटेड करना है, ये हो जाएगा. ओके नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम अगर पूछा है तो 30 लीटर आ जाएगा. ठीक है नेक्स्ट इंटीजर टाइप के क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं. क्या दे रखा है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज द टेकन इन एम्प्टी वेसल ऑफ 16.4 लीटर कैपेसिटी एंड द हीटेड टू 627 डिग्री सेल्सियस द मास परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज्ड इज. केपी दे रखा है आपको, केपी दे रखा है तो केपी यहां पे जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल होगा और वो 0.9 atm के बराबर आ गया. तो अगर प्रेशर आ गया टेम्परेचर वॉल्यूम सारे दे रखे तो मैं यहां से एक काम करता हूं, यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, क्या यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो हो जाएगा P इंटू वी अपॉन R इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर है यहां पे 900, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये हो गया डबल. ठीक है ये आ जाएगा 0.2. अगर 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर मिला है तो जी देखिएगा अगर ये 0.2 मोल अगर मिलेगा तो यहां से माइनस 0.2 होना चाहिए, इसका मतलब इसका 0.2 मोल डिसोसिएट हुआ है. अगर 0.2 मोल डिसोसिएट हुआ है तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होना चाहिए वो 0.2 इंटू 100, कितना ग्राम डिसोसिएट हुआ, 20 ग्राम डिसोसिएट हुआ. कितना दे रखा था पहले 25, तो परसेंटेज डिसोसिएशन की अगर अपन बात करें मास के अकॉर्डिंग
तो वो हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज द 80%। तो यहां पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा 80, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा 80। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, बोला इफ वन मोलर 1 ml ऑफ 1 molar HCl सॉल्यूशन इज एडेड टू 99 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सो दैट pH ऑफ NaCl सॉल्यूशन चेंज बाय x यूनिट द वैल्यू ऑफ x इज। आपको मालूम है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की pH होती है 7, ठीक है। अब आपने 1 मोलर 1 ml HCl ऐड किया है, तो इसका मतलब 1 मिलीमोल H प्लस का आ गया, टोटल वॉल्यूम हो गया 100 ml। तो यहां से 10 की पावर माइनस 2 मोलर आ गया, कौन? H प्लस आयन। तो यहां से pH आ गया 2, पहले pH थी 7, अब pH हो गई 2, चेंज कितने का हो गया? 5 यूनिट का। तो इसका आंसर जो जाएगा, इसका फाइनल आंसर इज द 5, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, ठीक है, मिड सेशन DTS JEE मेंस का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।